दूसरी सभी बहुएं तुमसे ही तो सीखेंगी। मानसी की शादी के बाद पहली होली थी जिसके लेकर वह अच्छा खासा उत्साहित थे, पर मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। अभी तक तो लोगों के शादी के बाद पहली होली के किस्से ही आ रही थी, अब तो उसकी खुद की ही पहली होली थी तो मन में नई उमंगें भरी हुई थी। साथ ही साथ डर भी बहुत था। तीज त्योहार पर आज भी यह पूरा परिवार के एक जगह एकत्रित होता था, जिसमें दोनों बुआ सास के परिवार को भी बुलाया जाता था। मानसी भी हालांकि एक संयुक्त परिवार की हिस्सा रही है, पर एक ऐसा परिवार जहां मन मुटाव जरूरत से ज्यादा है, पर सब अपने ही मस्त रहते हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, और अगर कभी इकट्ठा हुए तो बिचारों बहुए रसोई में ही लगी रह जाती हैं। इसलिए मानसी को डर लग रहा था कि वह अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। आखिर वह घर की बहू है, वह तो होली खेल ही नहीं पाएगी। सुबह से शाम तक रसोई में ही भाग दौड़ रह जाएगी। शाम को होली पूजन के बाद जब भी भैया का परिवार एकत्रित हुआ तो दूसरे दिन खाने में क्या बनाना वाला है उसका मेनू डिसाइड होने लगा, जिसे सुनकर मानसी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। सुबह इतने लोगों का खाना कैसे बन पाएगा, सोच कर ही उसकी हालत हुई जा रही थी, क्योंकि किसी ने भी खाना बनाने वाली रखने की कोई बात नहीं की। इस बात को उसके पति रमन ने भाप लिया। मानसी के बदलते हाव भाव को देखकर रमन को समझते देर नहीं लगी कि मानसी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। खैर उस समय उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में गया तब मानसी ने कहा, सुनिए रमन जी, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बना पाऊंगी। देखो मानसी, इससे पहले भी इस घर की परंपरा रही है कि त्योहार के दिन खाना एक ही रसोई में बनता है। तुम इस परंपरा को बदलने की कोशिश मत करो। मैं कह रहा हूँ कि परंपरा को बदलने पर कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो। कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब, अब इसमें क्या कर सकती हूँ। आखिर तुम घर की बहू हो सो ये तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। कल को दूसरी बहुएं भी आएंगी, वो भी तुम्हें ही देखकर तो सीखेंगी। फिर मेरी होली तुम्हें होली की पड़ी है, बहू होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी तो बनती है। अब तुम अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ सकती हो। और हाँ, कोई गलती मत कर देना, नहीं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है, आखिर तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है। ऐसा कहकर रमन तो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया, और बेचारी मानसी के आंखों से नींद तो कोसों दूर हो गई। बेचारी के आंखों में आंसू तक आ गए। सारी रात करवटें बदलते बदलते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो देखा सब लोग जाग चुके हैं और मम्मी जी ने चाय बनाकर सबको परोस दिया है। माफ करना मम्मी जी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी चाय रखी है, वहाँ पी लेना। अपनी चाय लेकर मानसी कमरे में गई तो रमन कमरे में पहले से ही बैठा था। तुम्हें मैंने रात को ही कहा था ना, सुबह जल्दी उठ जाना, आखिर सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। लेकिन तुम हो कि तुम्हें किसी की बात सुननी ही नहीं है। पर रमन जी, मम्मी जी ने तो कुछ नहीं कहा। मेरी मम्मी तो सीधी है, कुछ नहीं कहेंगे, पर तुम्हें तो अकल होनी चाहिए। तुम भी तो संयुक्त परिवार में रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि किस हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब जल्दी से चाय पियो और फटाफट काम पर। रमन तो डांट कर चला गया, पर मानसी की हालत खराब, जैसे तैसे चाय पी और रसोई की तरफ चल दी। रसोई में जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। सासू माँ से जाकर पूछा, मम्मी जी खाना कहाँ बनेगा। खाना तो ऊपर छत पर बनेगा बेटा, रसोई में इतनी जगह कहाँ है।
जी हाँ ठीक है। मानसी ऊपर छत की तरफ रवाना हो गई। वह जाकर देखा तो एक बार उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। शायद उसे यह मंजर कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर के पुरुष मिलकर रसोई का काम कर रहे थे। चाचा जी सब्जी साफ कर रहे थे। वहीं दो देवर मिलकर आटा गूंथने का काम कर रहे थे। कोई रायते की तैयारी कर रहा था तो कोई ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रहा था तो कोई मिठाई की तैयारी कर रहा था। सबने अपना अपना काम बांट रखा था। इतने में ससुर जी पास आकर बोले, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं नहीं पापा, ये आप क्या कर रहे हो? आज के दिन महिलाओं की छुट्टी है रसोई से। क्या देखो बेटा, यहाँ हमारे घर का रिवाज है कि होली के दिन महिलाओं की रसोई से छुट्टी कर दी जाती है और रसोई की जिम्मेदारी हम पुरुषों की होती है। इसलिए तुम जाओ और होली खेलने की तैयारी करो। बस हम रसोई की तैयारी करके नीचे आते हैं। मानसी नीचे जाने के लिए पलटी ही थी कि अचानक रमन की आवाज आई, कुछ चाहिए मैडम आपको? सुनकर मानसी ने पलट कर देखा तो रमन हाथ में रंग की बाल्टी लिए हंस रहा था। रमन को हंसता देखकर सभी देवर हंसने लगे। इससे पहले कि मानसी कुछ समझ पाती, रमन ने उस पर रंग की बाल्टी उड़ेल दी। घर के बड़े वहां मौजूद थे इसलिए मानसी कुछ न कर पाई। मानसी रमन को घूरते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से देवर कहा, आज तो भैया आया काम से। भैया मजाक कहीं भारी न पड़ जाए। और पूरे मोहल्ले ठहाकों से गूंज उठा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।